दोस्तों, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। बोर्ड मेंबर ने इसका उत्तर दिया कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल द्वारा की गई थी। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किस रूप में मापी जाती है। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर किसके द्वारा रखा जाता है। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि सर, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर वांडर वाल्स बलों द्वारा रखा जाता है। दोस्तों, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि किस विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है। उम्मीदवार ने इसका उत्तर दिया कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर तनुता पर निर्भर है। बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से अगला प्रश्न पूछा कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। उम्मीदवार ने कहा कि सर, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। उम्मीदवार ने सोचकर इसका आंसर दिया कि वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को अभय वन कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम देखना चाहते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि लहंगा उठाओ तो बाल दिखे, बाल हटाओ तो माल दिखे, बताओ क्या। दोस्तों, बोर्ड मेंबर कैंडिडेट से जानबूझकर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो कैंडिडेट के हाव भाव और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। बोर्ड ऐसे किसी को इसका आंसर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया कि बुट्टा, लहंगा उठाओ तो बाल दिखे, बाल हटाओ तो माल दिखे। दोस्तों, कमेंट में बताना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।